लखनऊ में लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के 16 नए मरीजों की मिलने की पुष्टि हुई है। तो लखनऊ में लगातार डेंगू के नए मरीज बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों में मिल रहे हैं डेंगू के मरीज। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ पर डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। चंदन नगर 1, सरोजनी नगर 2, इंदिरा नगर में 4 मरीज मिले हैं। तो लखनऊ के अलग अलग इलाकों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। चिनहट में 2, अलीगंज में 3 मरीज मिले हैं। 16 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। एनके रोड पर 3, टूटियागंज में 1 मरीज मिले। राजधानी में 741 घरों का किया गया सर्वेक्षण। लगातार राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। मच्छर जनहित स्थितियों का किया गया सर्वेक्षण। महिला सशक्तिकरण की उड़ रही है धज्जियां। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ रही हैं। विधवा महिला को दी जा रही जान से मारने की धमकी। खबर लखनऊ से है, जहां पर विधवा महिला को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नंदोई देवर दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। विधवा महिला को नंदोई और देवर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खबर लखनऊ से है। महिला ने पूर्व में की थी पुलिस से शिकायत। महिला ने इसके पहले शिकायत भी की थी। बता दें कि पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। महिला का आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ससुराल वालों की तरफ से महिला को धमकी मिल रही है। पुलिसकर्मी से भी महिला ने थाना चौक के नखास क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ रही है। खबर लखनऊ से आपको बता दें, विधवा महिला को दी जा रही जान से मारने की धमकी। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर विधवा महिला को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि नंदोई देवर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने पूर्व में पुलिस से शिकायत भी की थी। बताया जा रहा है कि इसके पहले महिला ने पूर्व में शिकायत भी की थी पुलिस से। पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिसकर्मी ने भी महिला से अभद्रता की। थाना चौक के नखास क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 4 बजे मेरा नंदोई फौजी शारदा और देवर जैना तन्नू, ये लोग आए थे पुलिस वाले को लेके। लोगों ने हमको धमकी दी, घर को हवाला किया, बदतमीजी करी, कहा है तुमको तुम्हारे बच्चों के साथ में हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे, अब तुम लोग साथ बहुत बुरा होगा। मेरा कमरा भी इन लोगों ने हथिया लिया, कब्जा करे हुए हैं, दुकान भी इन लोगों ने धोखे से बेची है, जिसकी वजह से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। घर में अभी 4 बजे मेरा नंदोई फौजी शारदा और देवर। मुंबई से चोरी करके भागा चोर गिरफ्तार। खबर लखनऊ से है, जहां पर मुंबई से चोरी करके भागा चोर गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ के ब्लू फॉक्स बार में कर रहा था काम। यूपी के उन्नाव का निवासी है आरोपी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेखराज मार्केट से किया गया अरेस्ट। बताया जा रहा है कि मुंबई से चोरी करके भागा था युवक, यूपी का ही रहने वाला है। एसटीएफ और मुंबई पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। संयुक्त ऑपरेशन में किया गया अरेस्ट।